बमन जी ऑलरेडी इस ब्रांड से जुड़ चुके हैं और जहाँ भी बमन होता है मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना और इनको अच्छा लगता है मेरे पीछे आना. तो नहीं बट रियली ही इज बीन द ब्रांड एम्बेसडर हाउ मेनी इयर्स नाउ? द सेकंड ईयर. और तो जब मुझे बोला गया कि मैं एक चैलेंज दूँ उनको एम्बी प्योर को लेकर, आई थिंक इट वॉज गुड बिकॉज वी बोथ हैव अ रैपो और हम दोनों के बीच ऐसे नोकझोंक हम कर सकते हैं रादर देन टू गेट समबडी हु इज नॉट फेमिलियर. तो मैं इनको चैलेंज और भी बहुत सारी चीज़ों में करती हूँ लेकिन इसमें मुझे पर्टिकुलरली बहुत मज़ा आया क्योंकि आई वॉज रियली होपिंग कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करें एम्बी प्योर. It's always awkward when you just smell and you know don't make the horrible face. But I feel that over the years, in the last 2 years, we've been doing so much of this in the ad films that we make, which are real. It's not set up. I go on the street with a mic like this and say, "Excuse me, will you do an Ambipure test for me here live?" And then we put him in a car and it's for real. I knock on someone's door. And the lady, we open the door and the lady sees me for the first time and says, "Oh, okay, wow." And we go into the room and I blindfold the person and I put fish around them and bring garbage in the house. So we've gained so much confidence when you do this for real with real people. They are not actors. They aren't models. These are real people. So when you do advertising of this type, it gives you a lot of confidence to say it really works blindly. And even that day when they came to the party for the smell fee challenge, they brought in genuine garbage from their homes. It is not production ne bana ke art director ne supply nahi kiya tha wo. Genuine diapers, khud ke ghar ke khud ke bacche ke diapers, khud ke onions, khud ke moze, khud ke joote leke aaye the Delhi, Chandigarh, Virar, Bangalore se, Nala Sopara se. तू आया था? अच्छा सुना. अच्छा बोल दिया नल्ला सुबह बीच में, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स नल्ला सुबह इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर मी इट इज एंड द टीम ऑलवेज टर्न्स अराउंड एंड सेज नो प्रॉब्लम. बट इवन नाउ आई हैव बिकम कॉन्फिडेंट. आई यूज्ड टू आस्क देम व्हेन आई ओपन द डोर एंड आई ब्लाइंडफोल्ड देम एंड आई पुट अ गंदा मोजा इन फ्रंट ऑफ देयर नोज ब्लाइंडफोल्ड के वक्त और मैं पूछूं मतलब उनको ये स्मेल सचमुच में बुरा लगेगा तो अपना एड फिल्म फ्लॉप हो जाती है. But they have so much confidence and I now have confidence. So it's great fun to do these ads. They're great, great fun. Other than that, what smells you're saying, I think local train mein jisne bhi travel kiya hoga, unko pata hoga, main bahut travel karti thi pehle to go to college, that smell in the local trains is unforgettable. Everything, garbage on the tracks, the people's clothes, it's, matlab is an unforgettable smell. आई थिंक बॉडी बदबू के लिए एक्चुअली किसी ने सवाल पूछा, सबके घर में होता है. इट्स नॉट कि किसी के घर साफ है, सबके घर में. स्टूडियोज में द पब्लिक टॉयलेट्स आई वर्स्ट बिकॉज आप गेट खोलते नहीं हो एंड यू गेट दैट स्मेल. सो आई मीन टू दे शुड रियली यूज इट ओवर देयर ऑनेस्टली. मतलब वो टॉयलेट में जो स्टूडियो में होते हैं, यू टेक एकदम लो तो मुझे लगता है आपको कैंसर भी हो तो वो कैंसर भाग जाएगा. आई एम नॉट जोकिंग, इट इज सो बैड. बट जेन्युइनली दिस शुड बी यूज्ड इन स्टूडियोज. अपने घर में ऑर्डर्स आते हैं, किचन में ऑर्डर्स आते हैं, मानसून के वक्त गीले कपड़े का ऑर्डर. ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम के मैं मच्छी हम बहुत बनाते हैं घर में और फ्राइड फिश तड़का, फिश का जो फ्राई फिश का जो स्मेल होता है इट्स वेरी स्ट्रांग. और यंग बच्चे होते हैं, स्कूल से आते हैं, मोजे बॉडी ऑर्डर होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है, ट्रेन में भी होता है, स्टूडियो में भी होता है. वो ऑर्डर्स, बैड ऑर्डर्स आर देयर एवरीवेयर. दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन. दैट्स हां, जो बॉस में जो आवाज आती है, जो पुरुष की आवाज आती है, आपको लगता है वहां पे महिलाओं की आवाज होनी चाहिए? वहाँ तो मुझे लगता है सिर्फ मेरी आवाज़ आनी चाहिए. हाँ जरूर जरूर. उनकी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर
We are paying them money to cast us. So do part two. Okay, thank you. We can't surely entertain that. I'm so sorry. You both have been on his show. So what? I swear, I was out of town that day. I was in Indore. So I need to know properly before I can comment. Kapil is a dear friend. I'm very fond of him. I think maximum times gayi hu unke show pe. But I really need to know kya hua. Kiska fault hai before commenting, because our comments become breaking news then for no reason.